लोक मंगल दिवस पर आज खुद महापौर संयुक्ता भाटिया और जो सभासद हैं तमाम वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। हम इस समय ठाकुरगंज जोन 6 में मौजूद हैं और खास बात ये कि सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि जो पूर्व सभासद हैं, जो वर्तमान सभासद के प्रतिनिधि हैं, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पटेल है। मैं क्या समस्या लेकर आए? सीवर की समस्या लेकर आया था अपने वार्ड की। एक्चुअली सीवर की समस्या ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई फोन नहीं उठा रहा था लगभग 2.5 महीने से। हम लोग काफ़ी परेशान रहे, क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान रही। अब यह समझिए जिसके दरवाजे पर 2 से 2.5-3 महीने सीवर बहेगा उसकी हालत क्या होगी। इनको बार बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेके GM से लेके इनके नीचे तक के अधिकारी कोई सुनने तैयार नहीं हुआ। तब आज जाके मंगल दिवस में माननीय महापौर जी के सामने मैंने उनको बुलवाया और माननीय महापौर जी ने आश्वासन भी दिया है और उनको थोड़ा सा डांटा भी है। पहले भी अपनी समस्या ला चुके? हाँ, कई बार समस्या नहीं सीवर एक्चुअली समस्या सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र लगता है, ग्रामीण क्षेत्र में LDA ने सीवर डाला है, नगर निगम को भी हैंडओवर नहीं हुआ है। अब नगर निगम से बात करो तो कहता कि मैं हैंडओवर नहीं हुआ, LDA से बात करो कहते मेरे पास कर्मचारी नहीं है। तो दिक्कत वहाँ पर ये आती है कि सफ़र पब्लिक कर रही है और गाली हम लोग खा रहे हैं। वर्तमान सभासद कौन? श्री पुत्तीलाल जी हैं। जी है, आज गए नगर निगम गए हुए वो भी, लेकिन मंगल दिवस के चक्कर में थोड़ा नगर आयुक्त साहब से मिलना था तो उस चक्कर उनको वहाँ जाना था, हमने कहा था आज मैं इधर हूँ। आप तो उनके प्रतिनिधि हैं, जब आप ही लोग की सभासद की बात नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता जो बाकी आ रही है उसका क्या? इसीलिए तो मैं आज बात करने आया था मंगल दिवस। तो महापौर जी थे, अधिकारी थे नगर निगम के, उनको बुलवाया गया था इसी चक्कर में कि भाई आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे आप। और जो समस्याएं आपको दी जाती हैं वो कम से कम पब्लिक चाहती है कि पार्षद जी को बता दिया ये 1 दिन में 2 दिन में हो जाना चाहिए। वो समस्याएं होता क्या है कि लगभग में 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, आप गए पानी शक किया, पानी शक करने के बाद चले आए 3 दिन बाद फिर बह रहा। जहाँ चौक है उस चौक सीवर को साफ करना चाहिए, लेकिन ये लोग कहते हैं मशीन आएगी। मतलब एक समस्या को कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्या लगता है? स्वच्छ कंपनी जिम्मेदार है, जो उनके कर्मचारी हो जिम्मेदार है। पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, कार्रवाई के लिए तो आज बोला गया कि अगर दोबारा ऐसी कोई बात आती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप तो खुद ही बता रहे इतनी बार चक्कर लगा चुके। नहीं नहीं, इसके पहले भी हुआ तो अधिकारी हटाए गए थे हमारे वहाँ जैसे, इसके पहले होते क्या नाम अधिकारी बदले लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। नहीं, व्यवस्थाएं तो वही चल रही है अभी, इसके पहले सचा सुधार कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी देखिए क्या होता है नहीं होता, फिर इसके आगे और जाएंगे। फिर क्या करेंगे आगे अगर ना सुना? अगर नहीं हुआ तो मंत्री जी के वहाँ पहुँचेंगे, नगर विकास मंत्री जी से बात करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाके। भाई सीवर एक ऐसी समस्या है जिसको त्वरित सफाई काम होना चाहिए और उसके ऊपर अगर काम अभी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आपके साथ वहाँ के लोग भी स्थानीय कुछ आए? हाँ, थे लोग थे साथ में, अब चलेगा, उनको भेज दिया मैंने। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने सुना जो खुद पूर्व सभासद हैं, वर्तमान सभासद के प्रतिनिधि हैं, उनका भी ये आरोप है, ये कहना है कि उन लोग की भी बात नहीं सुनी जाती जो अधिकारी हैं, वो बेलगाम है, लापरवाह है, कहीं ना कहीं सफाई कर्मी जो है, जो जिम्मेदार, जो सफाई कंपनी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई अगर होने के बाद लोगों को कुछ बदला भी गया तब भी हालात जस के तस है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो इसके आगे उन्हें मंत्री तक जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। बहरहाल ये हाल है नगर निगम के इस पूरे सिस्टम का, पोल खोलते हुए ये लोग सामने मौजूद हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।